सो भाई अभी तो जगह हमें मिल गई है। अली भाई साहब ये चेक करो भाई, आ गया ये चेक करो। तेज नहीं बोल सकता क्योंकि भाई मैं कॉरिडोर के अंदर आके आप लोगों के सामने इंट्रो कर रहा हूँ, कमरे में भी थोड़ी आवाज वगैरह हो रही, शोर वगैरह हो रहा है। भाई अभी आप लोगों का वेलकम हो गया न्यू व्लॉग के अंदर, तो भाई अभी से आप लोग इस व्लॉग को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि भाई आगे और भी मजे मजे के व्लॉग आने वाले हैं। क्योंकि सऊदी खाने दिखाऊंगा, सऊदी के रोड्स वगैरह दिखाऊंगा, सऊदी होटल दिखाएंगे आप लोगों को, बड़ा मजा आने वाला है आज अपना आने वाले व्लॉग के अंदर। ये कि भाई अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, नीचे हमारा जो काम है ना वो है एक व्लॉग अपलोड करना है, दूसरा नाश्ता करना है। नाश्ता मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो नाश्ते के अंदर देखते हैं यार कोई पूरी पराठे या पूरी वगैरह मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। चलो भाई बुलाओ 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 यार, सबको बटन दबा देते सबके, इंशाल्लाह आ जाएगी यार। ये भी मुझे लग रहा है यार ये आ गई फ्लोर पे आ गई। हमारी जो रूम है ना वो तकरीबन चौथे फ्लोर पर है, तो नीचे तीन फ्लोर वाले तकरीबन ये समझ लो सातवें फ्लोर पर है हमारा लिफ्ट, इस पर चलते हैं यार। चल भाई हमें जाना है जी ग्राउंड, बंद हो जा भाई बंद हो जा, चल चल। और यार व्लॉग को कर लो लाइक अभी से, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाई मजे मजे के व्लॉग आने वाले, मैं सही बता रहा हूँ। जिसमें आप लोगों ने देखे हैं, आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा हम लोगों ने उमरे किए हैं, विजिट किए हैं, तो अभी ये कि चलते हैं जल्दी से और नाश्ता ढूंढते हैं। भाई माशाल्लाह यार हरम में आज रश कम है, तो अभी मुझे लग रहा है अच्छी खासी अपन को जगह मिल जाएगी। यार फिलहाल हम लोग चलते जल्दी से अंदर और बाहर और ढूंढते हैं कोई नाश्ता वगैरह कोई अच्छी चीज। चलो चलो चलो, अरे खुल जा सिमसिम यार बंद की हो। भाई आप लोगों ना चलते फिरते यहाँ पे टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी, ये टैक्सी ये भी टैक्सी सारी टैक्सी आए हैं, जितनी भी ग्रीन वाली है व्हाइट वाली है ना, इजरा लिखा हुआ होगा, इजरा नाम का इजरा मतलब टैक्सी, तो इजरा एक बड़ी कंपनी है वो टैक्सी ऑन कर दी है। अब ये चेक करो, ये भी मेरे ख्याल टैक्सी यही होगी मुझे लग रहा है, लेकिन है ही नहीं। भाई अभी हम लोग निकल गए हैं वॉक पे, और अल्लाह करे कोई रेस्टोरेंट मिल जाए अच्छा सा, तो ये कि अभी नाश्ता भी हो जाएगा हमारा थोड़ा बहुत, और हल्का फुल्का खा भी लेंगे। और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा खाने लगे हुए हैं, जिसके अंदर चिकन है, कोरमा है, दाल है, और काफ़ी ज़्यादा आइटम है, तो हम लोग अभी करवा रहे हैं यहाँ से पाया, क्योंकि नाश्ते के अंदर पाए अच्छे लगेंगे। रोटी ले लेते हैं वहाँ से, पराठे खत्म हो गए इनके पास, बोल रहे हैं सुबह होते पराठे। पराठे कब तक कब होंगे टाइमिंग बता दो? आठ बजे तक। तो अभी पाए करवा लिए हमने, और देखते हैं कोई राइस वगैरह करवा के फिर वी आई पी कॉम्बो बन जाएगा। अयान चलो यार, हमारा इरादा था यहाँ पे बैठ के खाने का, लेकिन यार क्या है कि पापा वाले भी ऊपर है ना, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा पार्सल लेके जा रहे हैं। अब थोड़ा बहुत खा के फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा स्पेशल खाने के लिए आज के व्लॉग के अंदर, क्या पता हम लोग अलबेग प्रॉपर खाएं मज़ा वाला, मतलब अलबेग तो ज़रूरी है ना यहाँ का, और मैं तो कह रहा हूँ अलबेग ही खाएंगे, वही मुझे लग रहा सही है। यार ये कौन कौन करता है मेरे को एक बात तो बताओ, आते हुए तो लब्बैक लब्बैक करते हो और जाते हुए तुम लोग अलबेग करते हो। फाइनली आ चुका है पावे, ओए होए होए ये चेक करो भाई साहब माशाल्लाह से यार जबरदस्त किस्म है। ये ले लिया हमने रोटी, ओए होए यार गर्मा गर्म रोटी आई है भाई, बड़ा वाला वाइट बना के माशाल्लाह से पावे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मटन यार ये चेक करो, ओए होए गोते लगवा के नान को, बिस्मिल्लाह यार वाकई पाकिस्तानी घर वाला टेस्ट आ रहा है। चल भाई आजा। चलो चलो भाई केक वगैरह। सो भाई नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग फारिग हो चुके थे, अब मैंने पहन लिया आराम तो हरम की तरफ। आप लोग भी बोलते हो यार इबादत कम करता है, भाई मैं व्लॉग में नहीं दिखाता, अल्हम्दुलिल्लाह डेली तवाफ हो रहा है, डेली दुआएं हो रही हैं, नफले हैं और तकरीबन सारी नमाजें। तो ये कि केक वगैरह मैंने पकड़ लिया, थोड़ा मीठे की अगर होगी तो हो जाएगी। लिफ्ट आ गई है, चलते हैं जल्दी से, पहले पढ़नी हम लोगों को जोर की नमाज, मुझे जल्दी से ऐसे दबाओ एस पे। तो अभी का यही सीन है यार, हम लोग पहले पढ़ेंगे जोहर की नमाज, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग जा रहे हैं सीधा हरम, तवाफ करेंगे और असर की नमाज अदा करके आ जाएंगे। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ये लेडीज एरिया है, ये भी लेडीज एरिया नमाज का, हम लोगों का एरिया ये वाला है मस्जिद। चलो। भाई अभी यहाँ पर जाके मैं तुम लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे चेक कर लो आज रश है लेकिन कम है। चलो भाई बाहर बस भी खड़ी है, फाइनली सही टाइम पे आ गए हम। चलो अभी भाई लोग उतर रहे तो हम बैठेंगे ना यार, पूरी की पूरी बस खाली, अभी 2 मिनट के अंदर भर जाएगी, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे बैठते जाएंगे और भरती जाएगी। सो भाई फाइनली हम लोग उतर चुके हैं अपनी बस से, और इनमें से कोई एक बस थी हमारी पता नहीं कहाँ गई। हम लोग तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, तवाफ करेंगे हम लोग और नफले पढ़ेंगे,
बाकी गर्मी का टाइम है, हम लोग जान मुझसे गर्मी के अंदर आए, अभी होगा रश कम मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने टीवी के अंदर जब देखा था ना उसमें रश कम ही लगता है, तो अभी अल्लाह मालिक है जो भी होगा देखी जाएगी। पर यार जो धूप में चलता है यार उनको धूप नहीं लग रही, लेकिन यार काफी ज्यादा लोग ना छतरी वगैरह लेकर आते हैं, हम लोग नहीं लेकर आते, हम लोग चश्मा वगैरह पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं तो सही हो जाता काम। ये चने यहाँ पे और अभी कबूतर नहीं है, अभी देखना कैसे आएंगे। और दुआ देना यार अच्छी अच्छी, ये ठीक है ना, अभी आराम से खा रहे हैं। फ्री 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 वाटर फ्री, भाई ये चेक करो, ये जितनी लेनी है लेना यार। भाई देखो ट्रक के ट्रक लगे पड़े हैं और लोग ऐसे दे रहे हैं जैसे पूरा ट्रक भरा हुआ है, देखो पानी का, ये भी पानी का पूरा ट्रक भरा हुआ है। भाई माशाल्लाह मेरी फेवरेट प्लेस पे हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब ये जो वॉकिंग डिस्टेंस है ना ये आपको सीधा हरम में छोड़ता है, हरम के पंखे अगर आप लोग दिख रहे हो, ये वाला जो मीनार है हरम का, ये गेट का। पंखे लगे हुए हैं मेरे पीछे वाले, ये ऐसे वीआईपी पंखे हैं, आपको स्प्रे देते हैं बकायदा, और फीलिंग नहीं आती कि गर्मी के अंदर घूम रहा है सर्दी के अंदर घूम रहा है, मतलब आपको गीला रखते हैं। अभी हम लोगों को ये वाले गेट से अंदर जाना है और सीधा हरम का व्यू है यहाँ से, और जल्दी से जल्द के तवाफ करते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बाकायदा फील भी हो रहा है तो यार, मतलब तपिश आ रही है ना, कि मेन पीक टाइम है जोहर के बाद वाला, जो पीक टाइम होता है ना असर से पहले जोहर के बाद, उसमें कड़क धूप होती है, अगर बादल होंगे तो सही है, वरना धूप में तो आप लोग चल भी नहीं सकते, सही बता रहा हूँ। जब भी आप लोगों के सामने आज रश भी थोड़ा कम ही है, तो यार यहाँ से सिर्फ हम लोग राइट साइड में मुड़ना है, और बिल्कुल खाने का बाग अभी हुए, नजरें नीचे कर लेते हैं और चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोग। आप लोग अगर इसको रात के अंदर देखोगे तो इसकी खूबसूरती अलग है, दिन में देखोगे तो इसकी खूबसूरती अलग है, सुबह देखोगे तो अलग है, मतलब यार ये एक ऐसी चीज़ है आपको डिफरेंट डिफरेंट वाइब देगी, मैं सही बता रहा हूँ। भाई हरम में एंटर हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये है ग्रीन लाइट यहाँ पर, और हम लोगों को यहाँ से चक्कर शुरू करना है अपना, मकाम इब्राहिम वाला वोरा जो गेट है ना काने काबा का, वो ये रहा। तो अभी रश भी थोड़ा कम ही लग रहा है मुझे, अंदर अंदर जाके हम लोग अपना हाथ वगैरह लगा लेंगे काने काबा का। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह भाई फाइनली पहुंच गए हम लोग। और ये काने काबा है, हाथ लगाना है, इसको मिशन है हमारा। जगह नहीं मिल रही, जगह जगह जगह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जगह जगह, बिस्मिल्लाह। तो भाई ये हतीम है, हम लोग बिल्कुल हतीम के गेट पे खड़े हैं। तो भाई ये है हतीम जिसके अंदर अपना नफिल पड़ी जाती है, लेकिन अभी इसका गेट बंद है, हम लोग बाहर नफिल पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये देखो भाई यहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं है अभी आना, लेकिन ये कि लेडीज खड़ी है तो मुनासिब नहीं है आ जाना, कि ये सारा गोल्ड का है और वेलवेट का कपड़ा नहीं है, पता नहीं कौन सा कपड़ा है, अच्छा सा भी है। यार पक्की धूप निकली थी अभी, पक्की धूप, मैंने आप लोगों ने पिछले व्लॉग क्लिप ने दिखाया है, अब देखो ये चेक करो भाई, बादल आ गए सूरज के आगे बिल्कुल, और ये देखो भाई मौसम बन गया भाई वीआईपी तरीके का, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई मौसम बन गया है और ऊपर बादल आ गया है सूरज के ऊपर, और सूरज का बिल्कुल देख रहे हो धूप चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई पूरे 7 सेकंड कंप्लीट हो गए यार, आप लोगों को यहाँ से आवाज आ रही होगी, भाई यहाँ पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चलती रहती है यहाँ पर 24 महीने, अल्हम्दुलिल्लाह 7 चक्कर हो गए। तो यहाँ पे नफिल पढ़ने दो बिल्कुल काबा के बिल्कुल सामने गेट पर, और यहाँ पर हम लोग जल्दी से नफिल पढ़ेंगे, जमजम पियेंगे, भरकर लेकर जाएंगे और जमजम से ही मुंह हाथ धोएंगे। भाई सुभान अल्लाह भाई माशाल्लाह, ये चेक करो यार, मतलब इतनी कड़क धूप के अंदर ऊपर बादल का बड़ा वाला टुकड़ा आ गया है, और क्या व्यू आ रहा है। लोग अपने काने काबा के व्यू को जो है ना वो बाय बाय करते हैं, अल्लाह हाफिज़ भाई, हम लोग वापसी आएंगे मगरिब के टाइम, हम लोग दिन में 2 दफ़ा आना चाह रहे हैं और 2 दफ़ा तवाफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक जो तवाफ है ना अगर करीब से करते हो तो वो छोटा तवाफ है, अगर दूर से करते हो तो आप लोग थक जाते हो, बकायदा 7 चक्कर बड़े बड़े होते हैं वो। ये व्यू है और अभी चलते हैं हम लोग होटल की तरफ, जमजम पीना है, जमजम भरना है और फिर चलते हैं जल्दी से। तो यार यहाँ से ना हम लोगों को एक और सिम लेनी है, तो ये भी सिम के काउंटर्स लगे हुए हैं, तो सिम लेते हैं यहाँ से। बस मिल गई, बस मिल गई, बस मिल गई, ये जल्दी से जल्दी फाइनली भाई शटल मिल गई है, अभी चलेगी थोड़ी देर के अंदर, ये गए वो थक गए गर्मी के अंदर यार, बाग बाग क्या है, बस खड़ी हुई थी मिल गई। चलो भाई फाइनली आ गए अपने होटल। यार ये जो मेरे पास बैग है ना इसका अच्छा खासा वजन है, मैं दिखाता हूँ, ये
क्योंकि भाई इसके अंदर है पाकिस्तान अपना अपना जमजम वो है ना, जमजम की छोटी छोटी बोतलें वो है इसके अंदर और बहुत ज्यादा बोतल है भाई। क्या बात है, होटल के अंदर भी रश हो गया क्या? तो यार अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर नूडल्स, अभी मैंने चूल्हा भी कर अपना रख दिया गर्म होने के लिए, उसके ऊपर प्याली रख दी अभी। हाँ इतना सा निकलता मुझे भाई ये यार, डालो डालो और डालो यार, इसको दूर हो जाओ, डालते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। खुल गया यार, मसाला पहले निकाल लेते हैं, ये मसाला निकाल के अभी अभी भी थोड़े से ही है। चल भाई ऑन हो जाए यार, चलो भाई थोड़ा मुझे लग रहा है लाल लाल हो रहा है यार, गर्म होने लग गया, अभी थोड़ी देर के अंदर इसमें पकाना लगा। फाइनली भाई थोड़ा सा गर्म हुआ है, लेकिन यार इसमें चेक करो फुल धुएं धुएं निकल रहे हैं, मतलब हैवी सीन बना हुआ है। गए भाई फाइनली हमारे नूडल्स रेडी, अभी इसमें मसाला वगैरह लगा के फिर इसको अच्छी तरीके से खाते हैं, फिर हम लोगों को पढ़नी है असर की नमाज, देन उसके बाद जाना है हम लोग आई थिंक हरम। यार अभी हमारा जो सीन बन रहा है ना थोड़ा सा चक्कर में, मतलब घूमने आने का बन रहा है, ट्राई करना है, तवाफ हमने कर लिया, इबादत हमारी तकरीबन हो गई है। यार ये बोल रहे हैं असली कपड़े का बना हुआ है, 100 रियाल का दे रहे हैं यार, ये 100 रियाल वाला देखें कोई काम हुआ है नहीं हुआ है इस पे। अच्छा अच्छा वाला, अच्छे वाला यार, वैसे क्वालिटी तो है कपड़े, ये है ना अपना कमीज शलवार नहीं है, ये जुब्बा है और जुब्बे की कमीज है इसकी, शलवार शलवार ट्राउजर 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 ये यस इसके साथ ट्राउजर है भाई, इसके साथ ट्राउजर भी देंगे। हम लोग अभी अंदर नहीं गए, बाबुल अजीज बाबुल अब्दुल अजीज गेट है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि बंद है अभी आपको सामने है। और ये बाबा बता रहे हैं, जब बाबा कब आए थे, जब से बन रहा है कई सालों से, बाबा बता रहे हैं 2014 में जब हज पे आया था ना, जब भी ये बन रहा था और आज भी ये बन रहा है, अंदर जाके पता लगेगा ऐसा क्या काम है। बाकी ये कि भाई अभी हम लोग नमाज की जगह तो मिल गई है, अरे भाई बीच में आके बैठी है। भाई साहब चार बिल्डिंग एक जैसी, अबे कितनी बिल्डिंग एक जैसी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक इसके पीछे 9 10 10 एक जैसी, 10 एक जैसी बिल्डिंग। ओए होए होए बाबा कितना दूर है अलबेग पीछे, यानी बिल्डिंग में आया दारुल तौहीद के बिल्कुल पीछे अलबेग आता है, ये अंदर आई थिंक ना अलबेग है। तो चलते हैं ये कौन सी बिल्डिंग, जबली उमर की बिल्डिंग ही है ये भी, मतलब जो टावर दिखाया ना। मैं टैक्सी का चेक करो भाई, जहाँ तक नजर जा रही है टैक्सी है यहाँ पर, जबली उमर का शॉपिंग मॉल तुम लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा दुकानें बनी हुई है यहाँ पर, और ये चेक करो और रोशनी ही रोशनी है, मतलब कहीं पर भी अंधेरा नहीं मिलेगा यहाँ, इसे पूछना पड़ेगा आई थिंक, यहाँ पर नजर तो नहीं आ रहा मुझे। चेक करो भाई सारी ब्रांड्स है शॉपिंग की, ये देखो गोल्ड की दुकान चेक करो भाई, इतनी बड़ी दुकान है भाई। फूड कोर्ट के अंदर हम लोग आ गए, और ये रहा अलबेग जो कि बड़ा मशहूर है हरम का, जो है मक्का का बड़े मशहूर अलबेग ये भी है, वो सारे अलबेग लेकिन यार मशहूर एक इनमें से एक ये, लेकिन यार मैं बताऊं इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है यार, मेरे तो हैरत हो रही है इस बात पे। चलो 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 भाई ये अलबेग, और इस पे रश तुम लोग देख सकते हो, लेडीज की अलग लाइन लगी हुई है, जेंट्स की अलग लाइन लगी है, जेंट्स की लगी हुई बड़ी लाइन, तो हमने अपनी सिस्टर को भेज दिया है क्योंकि लेडीज की छोटी लाइन है, तो यहाँ पे जल्दी मिल जाएगा हम लोगों को। अभी मेरे ख्याल में इनके पास मुझे नजर आ रहा है ना ज्यादा जो वायरल आइटम है इनका ब्रोस्ट है और जो नेगेट्स है, नेगेट्स भी ट्राई करते हैं ब्रोस्ट भी ट्राई करते हैं, दोनों का रिव्यू आप लोगों को करके बताते हैं ना। यार इनका दो मतलब ब्रोस्ट जो है ना दूर दूर तक नहीं दिख रहा, इनका बर्गर दिख रहा है जिंगर जो है ना ये वाला, ओए होए 9.5 रियाल का यार। सो भाई अमीन तो जगह हमें मिल गई है, तो ये टेबल वगैरह साफ होती है ना फिर हमारा भी तकरीबन ऑर्डर आ जाएगा 10-15 मिनट तक, तो यहाँ रख के आराम से तुम लोगों को बता दो कैसा है। अली भाई साहब ये चेक करो भाई, आ गया हमारा ऑर्डर, हर एक सीन हो गया है, जिंगर भी मंगाया था ब्रोस्ट भी मंगाया था, पैसे वापसी आ गए समझ रहे हो भाई, बोल रहे हैं ईशा के बाद मिलेगा, मतलब अभी इन्होंने खोला ही नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है, ये चेक करो ये आया अभी, ओए होए 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 बहुत टाइम नेगेटिव ट्राई करने लगे हैं। तो भाई ये है फिश नगेट्स आए ना, अरे चिकन लेकर आ गए भाई, फिश भी इनके पास खत्म हो गए है, रोस्ट भी खत्म है, जिंगर भी खत्म है, ये है कि ईशा की नमाज के बाद आ जाएगा, अगर ईशा की नमाज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह रोस्ट और जिंगर जरूर ट्राई करके बताऊंगा इसी ब्लॉग के अंदर, नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। ये चेक करो, ओए होए 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 भाई बात सच हो गई, इसके अंदर जो था सॉस वो सॉस है वाकई में है, ये सॉस रोस्ट के अंदर नगेट्स में भी है भाई, ये देखो भाई ये केचप है इसकी, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
भाई इसके साथ इन्होंने बन भी दिया है, तो बन देखते ताज़ा है या फिर बासी है। ओए होए यार हेल्दी बन है, मुझे ज़्यादा ताज़ा नहीं लग रहा क्योंकि थोड़ा सा ना वो रसक हो रहा है। गोरी भाई गोरी गोरी फ्राइज आ रही है बकायदा, ये चेक करो। ये मेरा जो रिव्यू है ना इसके लिए बेस्ट रिव्यू है, मुझे चिकन नगेट्स बड़ा पसंद आया, फ्राइज ज़्यादा पसंद आई, मीठी फ्राइज है और केचप और बेस्ट है यार। भाई सारी चीज़ें ट्राई करके बताएंगे, इन पे ख़त्म हुए हैं सारी चीज़ें खाली है अल्हम्दुलिल्लाह, चलते हैं। पूरा का पूरा फूड कोर्ट है यहाँ पे, आपको जूसेस की दुकान ज़्यादातर देखने को मिलेंगी और फास्ट फूड और मतलब देसी खाने नहीं है यहाँ पे, फास्ट फूड और बर्गर मतलब बर्गर टाइप चीज़ें मिलती है। ईशा की अजान हो गई है, हम लोग मगरिब में निकले थे अलबेग के लिए, ईशा हो गई है, ये चेक करो। सुभान अल्लाह भाई, ईशा की नमाज हमने पढ़ ली है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ नमाज पढ़ी है सामने, बिल्कुल ईशा की नमाज अदा की है और बाबुल अब्दुल अजीज गेट के बिल्कुल सामने जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है डे टू हमारा अलबेग पे, लोगों को एक ब्लॉग के अंदर मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ क्योंकि आज जो है ना वो हम लोग पिछले कल के दिन में जो मिला नहीं था ना सामान, तो आज के दिन में हम लोग ट्राई करेंगे इसका बर्गर और इसका रोस्ट। रश तुम लोगों के सामने है, घंटा भी लग सकती है, डेढ़ घंटा भी लग सकती है क्योंकि भाई तुम लोगों के सामने रश है। अल्लाह करे जल्दी नंबर आ जाए, अभी तो मैं लाइन में खड़ा हूँ, इतने दूर है, यहाँ पे इन्होंने स्पेस खाली की हुई और वहाँ पे रास्ता है। इतना ये सोच रहे हैं कि भाई पार्सल करा के होटल में बैठ के आराम से खाएंगे, यहाँ पर तो ना चलने की जगह हो रही है ना बैठने की जगह हो रही है। करो बस तुम नई दफा, बस ये जेंट्स की लाइन लगी उस तरफ और यहाँ पर वेटिंग में, और ये लेडीज की है। भाई ऑर्डर आ चुका है लेकिन यार एक भंड हो गया हमारे साथ, अभी इंतजार है टैक्सी का, तो टैक्सी आए तो हम लोग जाएंगे यहाँ से क्योंकि भाई बहुत दूर है यार, पैदल नहीं चला जा रहा। तो बिल्कुल हम लोगों का होटल जो है ना बिल्कुल सीधा सीधा है लेकिन बहुत दूर चलना पड़ता है, पूरा 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर को जिगजैग करो तो 5 किलोमीटर है। आज करीब लेकर आओ भाई, मैं तुम लोग दिखाता हूँ आज हमारे साथ सीन क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग को लेना था आज ब्रोस्ट और जिंगर और रैप, भाई इनके पास ना ब्रोस्ट खत्म हो जाता हमारी बारी के अंदर, नोर अपना नगेट्स खत्म हो जाते, फिश वाले हर चीज़ मतलब खत्म हो जाती हमारी बारी में। ये निकालो साइड में आ गया जो कि हमने कल भी खाया और आज भी यही आ गया वापसी, ये देखो चिकन नगेट्स हैं, फ्राइज है, फ्राइज कोई खास नहीं है, देख रो ये ढीली डाली है। हाँ एक यूनिक चीज़ लेकर आया हूँ मैं, जिंगर इनका जो कि मैंने अभी तक नहीं खाया, फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ। और अल्लाह मारिएगाम भाई यार कितना रैप है, ओए ये निकालेंगे सॉरी ये, ओए 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 चीज़ भी डली है भाई, ये शक्ल से तो अच्छा लग रहा है भाई इसमें, अरे इसमें भी नहीं नहीं पेटी है, पेटी है, पेटी है। ये देखो ये फुल लुक आ रहा है, बिस्मिल्लाह, ओए 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 लाए रखा भाई, अच्छा सा रही है ये, अच्छा है। लेकिन यार मसला बताऊँ क्या, मैं चीज़ खाता नहीं हूँ लेकिन खाता हूँ तो मेल्ट हुई खाता हूँ, ये साबुत चीज़ है यार, बिल्कुल साबुत है, ये देखो यार मज़ा मतलब इसमें ना यार लुक्स काफ़ी अच्छी है इसकी, देखा जाए ना काफ़ी ज़बरदस्त है, तो ये कि ये रिकमेंडेड है। ओए होए 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 सो भाई व्लॉग को करते हैं इसी के साथ यहीं पर ही एंड, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। भाई आप लोग ये बताओ कि भाई बड़े बड़े व्लॉग आ रहे हैं 20 मिनट्स के 15 मिनट के, तो भाई आप लोग ये बताओ पसंद आ रहे नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो भाई पसंद करने की कोशिश करो क्योंकि भाई यहाँ पर होता है टाइम कम और एडिट में टाइम लगता है ज़्यादा, तो मैं कम से कम मतलब कोशिश करता हूँ कि टाइम लगे और एडिट अच्छा हो जाए, तो ये कि आप लोग गुजारा कर लेना इसको देख के और अच्छी तरीके से जो भाई व्लॉग को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा सी यू।